कुछ दिन पहले ये ट्विटर के अंदर तो गंदा माल, सारा गंदा माल ट्विटर के अंदर मिलेगा। मतलब दुनिया के सबसे बड़े नल्ले लुक्खे जितने भी है सब के सब वहीं पे मिलेंगे। और इनको अगर इनका कोई बाप दिख जाता है, कोई इनको एकदम प्रॉपर, इनको इनका जो प्रॉपर जो ये है ना माइंडसेट, अगर उसको पकड़ लेता है, अगर उसको ट्रैप कर लेता है, उसको एक्सपोज कर देता है, तो ये क्या करते, एक झुंड बनाते हैं। ये चक्कों का पूरा एक झुंड बनाते हैं। एंड वहीं पे इनकी औकात ये लोग, बिकॉज फेक अकाउंट्स, असली अकाउंट्स का DP वगैरह तो कुछ नहीं तो साइबर सेल इनको पकड़ पकड़ के मारेगा, घर से घसीटते लेकर जाएगा। किसी एक को तो पकड़ना बस है, बाकी सबके लिए पूरा एक मिसाल बन जाएगा। तो क्या हुआ, ट्विटर के अंदर में एक हंगामा हुआ था कुछ दिन पहले कि, और वो क्या है कि वो सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स पोर्टल्स वगैरह वो चीज़ें इन लोगों ने छापना चालू कर दिया। बड़े बड़े जो ब्लू टिक्स तो आजकल पता नहीं चार फॉलोअर वाला को भी मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि कन्फ्यूजन्स बढ़ते हैं, फिल्म को लेकर नेगेटिविटी बढ़ती है। 46% स्क्रीन 46%, इसमें क्या हो गया कि फिल्म को लेकर ना नेगेटिविटी बढ़ गई। और कुछ लोग क्या है कि हंस रहे, मजा ले रहे हैं। ये जो ऑटो गैंग है, रिक्शा वाला गैंग, क्रेडिट चोर रिक्शा गैंग, 2 करोड़ ओपनिंग गैंग, फिर और चार गैंग, चेन चोर भाभी, ये लोग सब क्या है, इन लोगों ने मतलब पूरा मजे लेना पूरा ऑब्जर्व हो गया कि 46% स्क्रीन मतलब दबा दिया, दबा बाप बाप होता है बेटा, बट पूरा टैगलाइन सब चालू हो गया था जस्ट बिकॉज इन छपरियों की वजह से। ट्विटर में जो छपरी बैठते हैं ना, अपने आप को फैन बोलते हैं छपरी, इनके वजह से ही हुआ है ये सब कुछ। बिकॉज ये लोग क्या है कि इन लोगों ना दिमाग है ना सेंस है कुछ नहीं, ये लोग क्या है कि कुछ भी टट्टी बाहर आता है इसको स्प्रेड करना चालू कर देते हैं। फिल्म को क्या नेगेटिविटी होनी चाहिए, मैंने उसी वक्त वीडियो बनाकर, 2 वीडियो मैंने एग्जैक्टली बनाए, मैं बोला सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का वेट करो, क्या होता है तुम लोग खुद ही देख लोगे। सिर्फ ये 46%, ये 86%, ये 96%, ये सब देखकर कोई फ़ायदा नहीं। मुझे पता है स्क्रीन काउंट क्या होने वाला है, आराम से बैठो, कुछ टेंशन नहीं है। कल क्या हुआ, कल फर्स्ट एवर स्क्रीनिंग हुई फिल्म की, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। मुझे नहीं पता कि सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे कि नहीं थे, मुझे नहीं पता। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म दिखाया गया कल, एंड वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म दिखाने के तुरंत आधे घंटे के अंदर, बिकॉज शोज़ आई गेस 7:30 एंड 8 o'clock के आसपास कुछ ख़त्म हुआ, एग्जैक्ट टाइम जो मैं सुबह से कह रहा था कि स्क्रीनिंग होने वाली है, वो ख़त्म होने के बाद न्यूज़ बाहर आती है। सारे सिंगल स्क्रीन, जितनी सिंगल स्क्रीन है, सारे के सारे 100% ऑफ द सिंगल स्क्रीन इस फिल्म को मिलने वाले। क्यों बताए, फिल्म का कंटेंट मास्टर क्लास है। एज ऑफ नाउ जो मेरे को रिपोर्ट मिला है उस हिसाब से मास्टर क्लास कंटेंट है, बॉम्बास्टिक फिल्म है ये। इसको मतलब एक सरप्राइज के तौर पे डायमंड जो छुपाते हैं ना, वो छुपाने वाला, मतलब चोरी करने वाला, छुपा कर रखने वाला हिसाब से, उसको जो डिस्क्लोज किया ना, होश उड़ने वाली चीज़ है इस फिल्म के अंदर। क्योंकि मैं खुद ये कैरेक्टर के बारे में, इतने 2-3 कैरेक्टर्स है इसके बारे में, इतना कुछ नहीं सोच पाया कि कैरेक्टर्स को इस लेवल का मतलब बिल्डअप दिया। तो वो सब चीज़ को साइड करो, तो वो होने के बाद ख़त्म कर दिया। क्योंकि मेरे को पता है नॉर्थ ऑडियंस में क्या होता है कि अभी क्या है, कल के आए लोग हैं जो स्टार्स है, वो आज कलेक्शंस करके दे देंगे, लेकिन वो उनके सारे फिल्म, मैक्सिमम फिल्म डिज़ास्टर्स ही हो रहे हैं। तो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या है कि मुझे उसको एक्सेप्ट करना है जो मुझे 100% श्योरिटी देगा कि आने वाले 4-5 साल भाई वो बंदा फुल फॉर्म में रहेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये 1000 से स्टार्ट किया, फिर अभी 2000 जाएगा, अभी 2 या 3 साल के अंदर 2000 पकड़ेगा, फिर 3000 करोड़, सीधा 3000 करोड़। तो उस उन लोगों को भी ये चीज़ पता है। और कुछ लोग कॉरपोरेट बुकिंग बोलते हैं, कॉरपोरेट बुकिंग, इनका बाप कॉरपोरेट बुकिंग का भी स्पेलिंग नहीं लिख पाया होगा, कॉरपोरेट बुकिंग बोले, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रूफ कि कोई कॉरपोरेट बुकिंग, बिकॉज थिएटर ओनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इस बंदे को स्क्रीनिंग देना चाहिए, बिकॉज इस बंदे ने माला माल कर दिया इस साल हम लोगों को, माला माल, 1000-1000 करोड़ देकर माला माल कर दिया। तो और ये लोग बोले कॉरपोरेट बुकिंग, तो कॉरपोरेट बुकिंग है तो थिएटर ओनर क्यों इनिशिएट, एक्शन फिल्म को सिंगल स्क्रीन से नेगलेक्ट करके एक सोशल कॉन्टेंट ओरिएंटेड फिल्म को ये लोग स्क्रीन दे रहे जस्ट बिकॉज एक तो रिव्यूज स्प्रेड हुए। मैंने 2-3 पोर्टल्स को कल देखा है रिव्यूज़ देते हुए, 2-3 देखा है, शायद उन लोगों का भी कोई लिंकअप होगा, कहीं पे कनेक्टिविटी होगा जिसने स्क्रीनिंग अटेंड की है। अदर देन दैट रिव्यूज़ स्प्रेड हुए, रिव्यूज़ के अलावा ये बात स्प्रेड हो गया कि जो बंदा 1000-1000 करोड़ देकर माला माल कर चुका है हम लोगों, तो उसके लिए हम लोग एक ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते जो आज अगर 500 करोड़ देता है या 1000 करोड़ देता है, तो कल फिर पलटी हो जाएगा, परसों फिर पलटी हो जाएगा, फिर एक डिज़ास्टर का 6-7 डिज़ास्टर, तो वो गलत
गलत काम हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज क्या कि पठान 2 इज ऑन द लाइन, वो फिल्म बनेगी, चांसेस है कि जवान 2 भी बने, सबसे बड़ा चांसेस है कि तलापति विजय और शाहरुख खान की फिल्म बने। और लोकेश कनगराज को तो मैं तो 2 साल से स्पीकर में बजा बजा कर बोलता था, मजाक उड़ा रहे थे, अभी क्या हो रहा है देखो। सो दैट इज़ द थिंग, पूरा का पूरा सिंगल स्क्रीन, 100% ऑफ सिंगल स्क्रीन, नॉट 90, 100। भाई ये तो छलावा बोल रहा था, 4000 स्क्रीन्स जब मैं बोल रहा था मजाक बन रहा था, मैं बोला 4000 स्क्रीन से नीचे इसको स्क्रीन नहीं मिलने वाला है। नहीं, कॉमेडी, अरे तेरा उसके आदमी, तेरा हीरो को 46% स्क्रीन मिल रहा है, 2000 स्क्रीन के लाले पड़ रहे हैं। मतलब वेट करो, सबर करो, 4000 स्क्रीन, 3800 टू 4200 स्क्रीन्स में ये फिल्म रिलीज़ हो रही, लिख कर ले लेना। और आज वही हो रहा है, और आज वही हो रहा है, 100% ऑफ सिंगल स्क्रीन्स, यानी कि लगभग पकड़ के चलो 3800 टू 4200 स्क्रीन्स, एग्जैक्ट नंबर्स, क्योंकि मल्टीप्लेक्स ज़्यादा नहीं है, मल्टीप्लेक्स के कंपेयर में सिंगल स्क्रीन ज़्यादा होते हैं, तो 100% स्क्रीन कॉन एंड 46% इनके हिसाब से, वो 46-86 कुछ नहीं है, वो 52-55, 50-55, 56-60% ऑफ द मल्टीप्लेक्सेस दिए गए, वो 40-40-80 कहाँ से ये लोग पता नहीं उठा कर लेकर आते। तो सबसे पहले तो ट्विटर को अनइंस्टॉल करो रे भैया, सबसे पहले वही करो, क्योंकि सारा मतलब बासी चीज़ वहीं से उठ कर आता है, पूरा का पूरा नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाता फिल्म के लिए। तो मतलब होश उड़ा दिया भाई, हो जाए। अब क्या है कि फिल्म को सिर्फ कंटेंट अच्छा होना है। मैं सुबह 4 बजे, ये शो न्यूजीलैंड में 3:05 में समथिंग है, अपडेट मिल गया मेरे को 3:05 में, तो मेरे को लग रहा है पहला शो का जो रिव्यू है वो मुझे आई गेस 5:40 या लगभग 6 बजे तक मेरे को मिल जाएगा, 6 बजे में रिव्यू अपलोड कर दूंगा। सो नो डाउट, नो टेंशन, चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्स्ट एवर रिव्यू वहाँ से जो मिलता है, हमेशा 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, वो रिव्यू सही होता है फिल्म के लिए। टाइगर 3 का बहुत ख़राब दिया था बंदे ने, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बैकफुट में चला गया था, मैं बोला सुबह सुबह क्या करने डालूँ, नेगेटिविटी इतना स्प्रेड करूँ, लेट द फिल्म कम। और वही हुआ भाई, वही हुआ जो बंदे ने टाइगर 3 को कहा, मैं शॉक हो गया ना, मैं तो पहले ये क्या बोल रहा है, इतना सडनली फिल्म में सब बोल रहा है। तो मतलब लगभग ऐसा ही हुआ कि अंडर परफॉर्मर कर गई वो फिल्म। तो मुझे बस सिर्फ और सिर्फ सुबह वही रिव्यू का इंतज़ार है, उससे पहले मुझे अभी जो स्क्रीनिंग का रिव्यू मिला तो एक सेटिस्फैक्शन मिला भाई, एक शांति मिली है मुझे। बट स्टिल जब तक मैं नहीं देखूँगा, जब तक वहाँ से रिव्यू नहीं आएंगे जिस पर मैं बहुत अंधा भरोसा करता हूँ, तब तक लेट्स सी क्या होता है। स्क्रीन तो 100% सिंगल स्क्रीन तान चुका है ये फ्लिप, एंड वो भी एक वीक के लिए, तो लेट्स सी कि कितना कलेक्शन ओपनिंग डे कितने कलेक्शन होते हैं।